हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू दी ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑफ द सब्जेक्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टूडेज अवर थर्ड लेक्चर एंड इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दी पावर सेमी कंडक्टर स्विचेज सो सबसे पहले हम वॉट इज दी इलेक्ट्रॉनिक स्विच एंड वॉट इज दी मैकेनिकल स्विच सो इलेक्ट्रॉनिक स्विच क्या होता है और मैकेनिकल स्विच क्या होता है सो so, दोनों में डिफरेंस क्या होता है सो लेट अस डिस्कस दैट सो फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है इट टेक अ वेरी लेस टाइम एज कंपेयर टू दी ऑपरेशन बिकॉज इट डज़ नॉट कंटेन एनी मूविंग पार्ट्स एज इट इज मैकेनिकल स्विच में क्या होता है सो मैकेनिकल स्विच हैव टेक मोर टाइम स्पान एज कंपेयर टू सेमी कंडक्टर स्विच और अगर हम नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रॉनिक स्विच की सो इलेक्ट्रॉनिक स्विच डू नॉट हैव एनी इंटरनल कॉइल्स सो देयर इज वेरी फ्यू पावर कंज्यूम बाय दी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। एज इट इज़ अगर मैकेनिकल स्विच की हम बात करें तो मैकेनिकल स्विच जनरेट हीट ड्यू टू इट्स रेजिस्टेंस ऑफ द इंटरनल कॉइल्स एंड इट आल्सो कॉजेज दी सम पावर लॉसेज ओके सो नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक स्विच में क्या होता है दो जो इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है इट गॉड द कैपेसिटी टू ऑपरेट विद वेरी लार्ज फ्रिक्वेंसी और मैकेनिकल स्विच में जो ऑपरेट होता है मैकेनिकल स्विच इट नॉट हैव एनी लार्ज फ्रिक्वेंसी ओके सो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्विच में क्या होता है सो इलेक्ट्रॉनिक स्विच आर इज इन वेरी स्मॉल साइज बट कंपेयर्ड विद दिस साइज द पावर हैंडलिंग कैपेसिटी इज फार बेटर देन दी मैकेनिकल स्विच एज इट इज जो मैकेनिकल स्विच होता है दे आर वेरी बिग इन साइज सो दिज आर दी ऑल अबाउट दी कंपेरिजन ऑफ मैकेनिकल स्विच एंड इलेक्ट्रॉनिक स्विच आर सेमी कंडक्टर स्विच और यहाँ पे आप पिक्चर में देखेंगे सो दिस इज दी पिक्चर ऑफ सेमी कंडक्टर स्विच और वी कैन से द इलेक्ट्रॉनिक स्विच ओके सो एज इट इज मैकेनिकल स्विच का जो पिक्चर होता है यार मैकेनिकल स्विच की जो एग्जाम्पल है दिस आर दी एग्जाम्पल ऑफ द मैकेनिकल स्विच देर आर सम एग्जाम्पल ऑफ द मैकेनिकल स्विच हाउ दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड हाउ दे आर लुकिंग राइट सो दिस आर दी ऑल अबाउट दी डिफरेंस बिटवीन दी इलेक्ट्रॉनिक स्विच एंड मैकेनिकल स्विच नाउ लेट एस डिस्कस इन डिटेल विद द पावर सेमी कंडक्टर स्विच सो वॉट ड्यू मीन बाय पावर सेमी कंडेक्टर स्विच पावर सेमी कंडेक्टर स्विच क्या होता है सो so जो पावर सेमी कंडेक्टर स्विच है वी कैन से देट इज आल्सो दी इलेक्ट्रॉनिक स्विच सो जो इलेक्ट्रॉनिक स्विच होते हैं देट आर जनरली कॉल्ड एज अ सॉलिड स्टेट स्विच इनको सॉलिड स्टेट स्विच क्यों कहा जाता है बिकॉज देर आर नो फिजिकल मूविंग पार्ट एंड दर इज दबसेंस ऑफ दी फिजिकल कॉन्टेक्ट एंड सो जो मोस्ट ऑफ द अपलायंसेज होते हैं दे आर कंट्रोल्ड बाई दी सेमी कंडक्टर स्विचेस मोटर ड्राइव दैट मीनस स्पीड कंट्रोल ऑफ द मोटरस एंड एच वी ए सी इक्विपमेंट ओके नाउ सो जो आपके जो पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं इन पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स द सेमी कंडक्टर डिवाइसेज आर ऑपरेट एज अ स्विच सो जितने भी पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं कन्वर्टर हैं उसमें जो सेमी कंडक्टर डिवाइसेज होते हैं दे आर ऑपरेटेड एज अ स्विच आइदर इन दी ऑन स्टेट आर आइदर इन दी ऑफ स्टेट सो जितने भी टाइप के पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर है जहाँ पे एनर्जी का कन्वर्जन होता है फ्रॉम सोर्स टू लोड सो वहाँ पे जो सेमी कंडक्टर डिवाइसेज होते हैं दे आर ऑपरेटेड एज अ स्विच आइदर इन दी ऑन स्टेट आर आइदर इन ऑफ स्टेट सो दिस टाइप का जो अरेंजमेंट है वो पावर एम्पलीफायर और लीनियर रेगुलेटर में नहीं होता बट जो सेमी डिवाइसेस डिवाइसेज होते हैं दे आर ऑपरेट इन दी लीनियर मोड ओके सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द आइडियल स्विच अब यहाँ पे जो पावर सेमी स्विच की हम बात करते हैं सो so, यहाँ पर जो पावर सेमी स्विच है वो जनरली दो टाइप से होता है एक होता है आपका आइडियल स्विच और एक होता है आपका प्रैक्टिकल स्विच तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दी आइडियल स्विच कैरेक्टरिस्टिक सो आइडियल स्विच क्या होता है so ideal switch are those switch which can causes the zero voltage drop during the turn on and it can able to handle the infinite current during the turn on time okay as it is and the ideal switch having the three terminals like the input the output and the control so let us observe in this figure and in this Figure, you can see that this is a symbol of switch this is the symbol of switch and you can see that there are three terminals one is input second one is output and third one is control this is used for the controlling the state of the switch on and off so these are the symbol of the switch Now let us assume that, दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आइडियल स्विच फर्स्ट व्हाट विल हैपन वैन स्विच इज ओपन अगर हम आइडियल स्विच की बात करें सो so, इसका फंक्शन क्या होता है वैन स्विच इज ओपन ओके जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं वैन स्विच इज ओपन देन वाट विल हैपन सो देर फोर वैन स्विच इज ओपन इट हैज जीरो करेंट तो जब स्विच आपका ओपन होगा या स्विच ऑफ का ऑफ होगा तो करंट क्या होगा इसका ज़ीरो होगा एंड इट कैन हैंडल दी इन्फानाइट वोल्टेज वोल्टेज क्या होगा आपका इंफानाइट होगा और अगर हम पावर की बात करें तो पावर क्या होगा इसके अक्रॉस अगर यहाँ पे करंट ज़ीरो है और वोल्टेज कुछ अमाउंट में है तो ऑब्वियसली पावर क्या होगा ज़ीरो होगा एज इट इज वी कैन एज्यूम दैट इफ स्विच इज क्लोज्ड ठीक है अगर आइडियल स्विच आपका क्लोज है और आइडियल स्विच ऑन है ऑन कंडीशन में स्विच है तब क्या होगा देन वॉट विल हैपन सो वैन द स्विच इज क्लोज आर वैन द स्विच इज ऑन इट हैज जीरो वोल्टेज अक्रॉस इट तो जब स्विच ऑन होता है आइडियल स्विच की केस में सो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट विल बी ज़ीरो एंड इट कैन कैरी दी इंफानाइट करेंट और अगर हम बात करें पावर की सो so, यहाँ पे भी क्या होगा यहाँ पे भी एक टर्म जीरो है देर इज वोल्टेज इज जीरो बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ पावर इज पी इक्वल्स टू वी इंटू आई ठीक है सो जो पावर क्या होता है इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करेंट सो अल्टरनेटली पावर क्या होगा यहाँ पे पावर भी जीरो होगा सो इन बोथ केस इन इन द केस ऑफ आइडियल स्विच When switch is open, or when the switch is closed, the power is zero. So let us uh, we can uh, understand the ideal switch by the graph. So first, the last slide we have seen what will happen uh, when switch is on and when switch is off in the case of ideal switch. सो so, यहां पे देखिए आप फर्स्ट दैट इज दी ऑफ वी ऑफ एंड दैट इज द आई ऑफ तो सबसे पहले क्या है हमारा स्विच ऑफ कंडीशन में है किस कंडीशन में है ऑफ कंडीशन में ऑफ कंडीशन में बोले तो मतलब स्विच इज ओपन ओके तो जब स्विच ओपन है सो देन व्हाट विल हैपन व्हेन स्विच इज ओपन सो देयर इज जीरो करेंट करेंट इज जीरो देखिए यहां पर ये है, क्या है आपका करेंट दैट इज करेंट करेंट इज जीरो ओके ड्यूरिंग द ऑफ कंडीशन और वोल्टेज क्या है आपका वोल्टेज सम इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वोल्टेज ओके एज इट इज इन द नेक्स्ट व्हेन स्विच इज ऑन अब ये जो ड्यूरेशन है यहां पे क्या है आपका स्विच ऑन हो गया सो ऑन कंडीशन में क्या होगा देर इज some infinite amount of current and voltage is zero so when switch is on or we can say when switch is close then what will happen the current is in some infinite amount and the voltage is across zero as it is next you can see here what will happen when switch is again in the off condition then what, what will happen the voltage across it infinite and current is zero so as it is the uh, these are the characteristic switching characteristic of the ideal switch and what about the power अगर हम पावर की बात करें सो पावर इस केस में क्या होगा आपका वेन स्विच इज ऑन और वेन स्विच इज ऑफ सो वॉट विल हैपन सो जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि पावर क्या होता है पी इक्वल्स टू वी इंटू आई राइट सो वी इंटू आई होता है सो so यहाँ पे देखिए जब पावर जब वोल्टेज जब स्विच आपका क्या है ऑफ है सो so, ऑफ के टाइम पे क्या होगा वोल्टेज कुछ अमाउंट में है बट करंट क्या आपका जीरो है तो so, एक टर्म अगर जीरो होगा तो ये भी क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा ओके एज इट इज यहाँ पे भी क्या है ऑन कंडीशन में वोल्टेज क्या आपका जीरो है बट करेंट टर्म अमाउंट में है तो पावर यहाँ पे भी क्या होगा जीरो है सो दैट मीन्स ओवरऑल क्या है? आपका पावर क्या होगा जीरो होगा सो so, ये दिज आर दी ऑल अबाउट दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दी आइडियल स्विच ओके नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी प्रैक्टिकल स्विच अब देखिए प्रैक्टिकल स्विच में क्या होगा सो देर आर समिफरेंस इन आइडियल स्विच एंड प्रैक्टिकल स्विच सो वॉट आर द फीचर ऑफ प्रैक्टिकल स्विच दो प्रैक्टिकल स्विच द लिमिटिंग द लिमिटेड पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी दैट मीन्स लिमिटेड कंडक्शन करेंट When switch is in the on state and the limited blocking voltage, when the switch is in the off state, okay, just opposite ideal switch. Ke the switch up on, at that time, there is limited conduction current and the limited blocking voltage, okay, when the switch is off state, and when the switch is on, it has some voltage across it and it is known as the on state voltage. अगर जब आपका स्विच ऑन होगा तो उसके अक्रॉस सम वोल्टेज होगा और इस वोल्टेज को हम बोलते हैं ऑन स्टेट वोल्टेज एंड इट कैरीज अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ करेंट राइट और वॉट विल हैपन वेन द स्विच इज ऑफ सो देयर फॉर वेन द स्विच इज ऑफ जब स्विच आपका ऑफ होगा किस केस में प्रैक्टिकल स्विच में सो इट मे कैरी सम स्मॉल करेंट और ये स्मॉल करेंट क्या कहलाएगी आपकी लीकेज करेंट एंड इट कैरीज दी सम फाइनाइट वोल्टेज बिकॉज इन द रियल वर्ल्ड देर इज़ नो एनी आइडियल जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि रियल वर्ल्ड में नो नोट नो एनी सिस्टम हैव आइडियल सो देर आर सम प्रैक्टिकली ओके सो जो ट्रांजिशन टाइम है द ट्रांजिशन फ्रॉम ऑन टू ऑफ एंड ऑफ टू ऑन डज नॉट हैपन इंस्टेंटली जैसा कि हमने आइडियल स्विच में देखा कि आइडियल स्विच में जब स्विच uh, आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिट होता है या ट्रांसफ़र होता है सो इट टेक ये कुछ ट्रांजिट uh, होने में या ट्रांसफ़र होने में फ्रॉम ऑन टू ऑफ एंड ऑफ़ टू ऑन इट डज़ नॉट टेक एनी टाइम सो ऑन टू ऑफ़ एंड ऑफ टू ऑफ इन आइडियल स्विच देर इज़ इंस्टेंटेंटली बट प्रैक्टिकल स्विच में ऐसा नहीं होता है प्रैक्टिकल स्विच में स्विच को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर होने के लिए इट हैव टेकिंग सम टाइम्स। इसको और अच्छे से हम कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं सो दिज आर दी स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दी प्रैक्टिकल स्विच अब देखिए प्रैक्टिकल स्विच में क्या होता है ओके सो अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दी प्रैक्टिकल स्विच सो प्रैक्टिकल स्विच में क्या होगा वैन द स्विच इज ऑफ अगर हम ऑफ की बात करें ठीक है जब स्विच क्या है आपका ऑफ है सो वैन स्विच इज ऑफ सो ड्यूरिंग दैट टाइम देर आर सम अमाउंट ऑफ वोल्टेज ओके एंड देर आर सम स्मॉल करेंट सो स्मॉल करेंट वी कैन से दैट इज दीकेज करेंट एंड एज इट इज वैन द स्विच इज कम्स फ्राम ऑफ टू ऑन तो ये जो टाइम है ये जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड दी ऑफ टाइम ठीक है वैन स्विच इज ऑफ अब जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं सो यहाँ पर देखिए स्विच थोड़ा सा टाइम लेता है ऑफ से ऑन होने में सो आइडियल स्विच के केस में ऐसा नहीं होता था वो इजीली ऑन हो जाता था ठीक है सो दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिशन टाइम ना वी विल सी दैट वन स्विच इज ऑन सो देखिए यहाँ पर जब स्विच ऑन होता है जब क्या होता है वैन स्विच इज ऑन देर आर समेज देर आर सम वोल्टेज ड्रॉप और वी कैन से दी ऑन स्टेट वोल्टेज और ऑन कंडीशन में करेंट क्या होता है करेंट आपका सम फाइनेट अमाउंट में होता है बराबर

So as it is during the off time, there are some finite voltage and there are some leakage current. Okay, so these are the all about the characteristic of the switches or practical switch. Just we have assume here. Okay, now what will happen at the power of the key power power ke across the voltage. अब देखिए दिस टाइम है ये जो ये जो टाइम पीरियड है दैट इज़ कॉल्ड दी ऑफ टाइम व्हेन स्विच इज ऑफ जो सब स्विच जब ऑफ था सो दैट टाइम देट इज़ आल्सो सम पावर लॉसेज देर आर सम अमाउंट ऑफ पावर लॉसेस बट वैन स्विच कम्स फ्रॉम ऑफ टू ऑन जब स्विच ऑफ का ऑफ़ टू ऑन मतलब जो ट्रांजिशन टाइम है जब स्विच ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में जाएगा तब क्या होगा देर आर सम हाइयर अमाउंट ऑफ पावर लॉसेस एंड एज इट इज वैन दी स्विच इज स्मूथली ऑपरेट सो देर आर सम लो पावर लॉसेस एज इट इज जब स्विच आपका ऑन था और ऑन से फिर ऑफ कंडीशन में गया है सो एट टाइम क्या होगा देर आर सम हाइयर पावर लॉसेस एंड एज इट इज सो यू कैन से दैट द इन केस ऑफ आइडियल स्विच देर इज जीरो पावर लॉसेज but in case of practical switch there are some uh, power losses during turn on time and during turn off time so these are the whole about the concept of the uh, switching characteristic of the practical switch now we can say the there are some definition of the uh, semiconductor switches first is switching time of switching time kya hota hai it is defined as the time taken to चेंज द स्टेट फ्रॉम ऑन टू ऑफ और ऑफ़ टू ऑन सो जब स्विच को ऑफ टू ऑन और ऑन टू ऑफ होने में जो टाइम लगता है देट इज़ कॉल्ड द स्विच इन टाइम अब आइडियल स्विच के केस में तो देर आर जीरो टाइम ओके देर इज़ नो एनी टाइम टू चेंज दियर स्टेट बट इन केस ऑफ प्रैक्टिकल स्विच इट हैव टेकिंग समाइम्स एंड नेक्स्ट वन देट इज द कंडक्शन लॉस तो कंडक्शन लॉस क्या होता है इट इज द लॉस प्रजेंट वैन द स्विच इज इन ऑन स्टेट जब स्विच आपका ऑन होगा सो एट द टाइम जो लॉस होता है दैट इज कॉल्ड दी कंडक्शन लॉसेज सो नॉर्मली जो स्विचिंग लॉसेस होता है दैट इज द ग्रेटर देन द कंडक्शन लॉस नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दी क्लासीफिकेशन ऑफ स्विचेज सो देर आर सम क्लासीफिकेशन ऑफ स्विच जो फर्स्ट हमारा टाइप है दैट इज द ऑन द बेसिस ऑफ

बाई स्विच सो बाई स्विच क्या होता है बाई स्विच आर दो स्विच विच कैन ब्लॉक द बोथ प्लिटी ऑफ दी वोल्टेज लाइक एस सी आर सो बाई स्विच का एग्जाम्पल क्या है आपका एस सी आर सो इसकी कंडीशन क्या है वैन एनोड टू कैथोड वोल्टेज इज ग्रेटर देन जीरो एंड गेट करंट इज जीरो इट कैन ब्लॉक दॉजिटिव वोल्टेज एज इट इज वैन एनॉट टू कैथोड इज लेस देन जीरो देन इट विल ब्लॉक द नेगेटिव वोल्टेज ओके सो एस सी इज द एग्जाम्पल ऑफ बाइपोलर स्विच एंड सेकेंड दैट इज द ऑन द बेसिस ऑफ करेंट फ्लो फर्स्ट इज यूनिट स्विच अब यूनिट स्विच क्या होता है विच अलाउ टू फ्लो ऑफ करेंट इन ओनली वन डायरेक्शन सो यूनिट स्विच कौन कौन से होते हैं एस सी एंड डायोड सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द यूनिट स्विच एंड सेकेंड वन दैट इज दी बाय डायरेक्शनल स्विच तो बाई डायरेक्शनल स्विच क्या होता है बाई डायरेक्शनल स्विच इट इज अ स्विच विच अलाउड टू फ्लो करेंट इन दी बोथ डायरेक्शन सो इस टाइप का स्विच कौन सा होता है ट्रायग सो ट्रायग इज द एग्जाम्पल ऑफ बाय डायरेक्शनल स्विच ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दीज आर दवर रेफरेंसेस ओके so these are the all about the characteristic of the switches and types of the switches now our today's lecture uh, is concluded and thank you so much for watching uh, so thank you